सो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिथ स्मिथ हसवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाएंगे एक टटर। ये फ्रेंड्स मैंने एक्सपेरिमेंटली बनाया था सक्सेस वे पर। इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं बहुत 1 साल से यूज कर रहा हूँ, ये उसका ब्लेड निकल गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ब्लेड तो ज्वाइंट करते हैं, आधे की बात बाद में करते हैं। इस तो मैंने क्लैंप में टाइट कर दिया। सो फ्रेंड्स, इस तो बाद में हम शोल्डर की मदद से इसमें क्या है, मैंने इसका जो टटर ब्लेड है ना, वो आप सोडा की बॉटल कहीं भी, मतलब जो भी सोडा की बॉटल होती है उसमें जो मेटल का टैप आता है ग्लास बॉटल पे, सोडा की ले लो, थम्स अप या तोता तो उसके ऊपर जो मेटल का टैप आता है, उस तो ठोट ठोटते इतना ज़्यादा मैंने उसको ठोक दिया है ना, तो थोड़ा होने से लायक नहीं हो गया। इस तो मैंने सीधा करते बाद में इसके ऊपर प्लेन करते ऐसे कटआउट्स बना लिया, ठीक है। बाद में उस तो हम है ना पूरे अच्छे से ढिसना होता है, एकदम शाइनी हो जाना चाहिए, वो स्टील है ना, मेटल है ना, आया नहीं इसका, ठीक है, ताकि इसके ऊपर हम शोल्डर इन तर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वुडम, ये क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इस तो पेपर रोल, हाँ, ये जो पेपर रोल आता है, ये जो रैपिंग आता है, जो सेलोफेन रैपिंग उसका रोल है, ये मैंने तचरे में से उठाया था। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तो इसमें फिट कर दिया है, वो प्लायर से ऐसे घुमाने ताकि वो क्या है आधे का पॉइंट थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 100% वेस्ट में से नहीं, ये 80% वेस्ट में से बनेगा, ठीक है। इससे सिर्फ मोटर ही नहीं है, बाकी सब पुराना है, ये चार्जर भी फ्रेंड्स बहुत सालों पुराना है, कम से कम 6 से 7 साल से मेरे पास वैसे ही पड़ा था। और फ्रेंड्स, ये 9V 1 A का चार्जर, जो बहुत पहले जो 10-15 साल पहले जो LCD प्लेयर आते थे ना, CD प्लेयर, LCD स्क्रीन के साथ, उसका है। तो फ्रेंड्स, 9V 1 A थपता है ना इस मोटर के लिए, ठीक है। वैसे 12V तक सपोर्ट करती है, पर 9V इसका एवरेज वोल्टेज है, ठीक है, और 1 A। तो फ्रेंड्स, ये पुरानी ग्लू स्टिक में ग्लू गन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि बहुत सारे लोगों के पास ग्लू गन नहीं होती, आप इस तो गैस पे गर्म तरते हो, चाकू तो भी तर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने स्विच तो यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। अभी मैं पहले दोनों टर्मिनल्स पर अच्छे से इस पर शोल्डर इन तल लेता हूँ, ताकि क्या है, मैं इसके ऊपर ये वायर कनेक्ट कर सकूँ। ये फ्रेंड्स भूत आधे स्क्रीन के सामने, नहीं फ्रेंड्स भूत नहीं है, ये मैं हूँ, गलती से ते मैं एंडल फ्रेंड्स, सॉरी ऐसा है दे। और फ्रेंड्स, अगर आप तो मैं स्टूडियो टूर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अरे बनाऊंगा तो दे दूंगा, ठीक है। और आप तो प्रॉपर जो स्टूडियो टूर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। ये जो पीछे यहाँ पे जो टेप पड़ी है ना, उसके ऊपर फ्रेंड्स वही इलेक्ट्रॉनिक वॉल है, मैंने सब सर्किट्स लगाए हुए, ठीक है। तो अगर आप तो वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तो आप ग्राइंडर मशीन भी बोल सकते हो, ठीक है। इससे आप मेटल तो नहीं, पर जो प्रोजेक्ट थे, मिनी प्रोजेक्ट, DIY प्रोजेक्ट था, सारा फ्रेंड्स 100% काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इससे मैं टर्मिनल्स पे क्लीन कर लेता हूँ। ये जो डाइट मैंने एडेप्टर थे वाले लिए फ्रेंड्स, आप तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ये जो टटर है ना वो फ्रेंड्स एंटी क्लॉथ वाइज घूमना चाहिए, ठीक है, एंटी क्लॉथ वाइज, हाँ फ्रेंड्स, तो ही अच्छा हुआ फायदा, आप देख लेना एंटी क्लॉक वाइज मोटर से। और फ्रेंड्स, अगर वायर बदल जाए तो टेंशन नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती, आप तो ध्यान रहते एक बार चलाते आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ वायर्स तो इसके साथ। और फ्रेंड्स, मेरे से गलती है एक बार वीडियो में, ये वायर मुझे जो अंदर से निकालना था वो मैंने बाहर से निकाल दिया फ्रेंड्स, जिससे मुझे वापस से इसको लगाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, आप भी ये गलती मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ नॉर्मल ही है फ्रेंड्स, इसका सर्किट डाय दें आप तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा तो जरूरी नहीं है स्विच में, दोनों वायर पहले आप तो मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, बाद में तो ये वायर तो बीच में से कट करना है और वहाँ पर स्विच दे दो पॉइंट्स तो शोल्डर कर देना है, बस खत्म हो तो कुछ नहीं। और फ्रेंड्स, थोड़ा मैं पैकिंग के लिए यहाँ पर टेप लगा देता हूँ, तथितिया ये टाइट फिटिंग बैठे इसमें, ठीक है, टाइट पैथ रहे। तो
फ्रेंड इस तो आप तो है ना अच्छे से राइड करना चाहिए इतने स्लिप ना मारे। जैसे फ्रेंड्स 220 वोल्ट का बोर्ड आ गया फ्रेंड्स, आप तो ध्यान रखना दे, आप छोटे हो तो मत दीजिए दे, आप टाटा ही मत बनाइए, छोटे बड़े हो तो ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं इसको ऑन कर दिया, देखिए टाटा घूम रहा है, देखिए फ्रेंड्स, और इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, तेज़ मतलब इतनी नहीं है आप तो ऐसे कानों में चुभे दी नहीं, मस्त स्मूथ साउंड है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स अभी हम इस तो 13 कर लेते हैं फ्रेंड्स, मतलब इसकी हम अभी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है तो ये तैसा दाम रहता है और तैसा नहीं, तो फ्रेंड्स ये सॉरी फोटोस थी प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स अभी मैं इसमें ये क्लैंप पे मैंने ये जो वुडन पीस है उसको रख दिया है। अब देखिए मैं मशीन ऑन करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से टच कर रही है, देखिए ऊपर आसन में था तो इसने टच कर फेंक ही दिया, देखिए वुडन भी टच कर रही है और फ्रेंड्स एकदम बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि आड़ा उड़ा के खेल, तो फ्रेंड्स एकदम बैलेंस चाहिए। और फ्रेंड्स ये जो मोटर है वो हाई ड्रायरिटी मोटर है। ठीक है फ्रेंड्स बहुत अच्छी मोटर, 6000 IPM है इसते फ्रेंड्स, 6000 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कैसे तट करती है, तो फ्रेंड्स अभी हम ये पतली सी वुडन थी पीस को तट करते हैं। वाह फ्रेंड्स देखिए एकदम स्मूथली तट कर रही है, और कैसे ब्रेड तो नहीं बटर तो आप तट करते, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है पर तट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ी फ्लेक्सिबल ही है, दलती से ऐसे मुड़बुड़ मतलब ऐसे मोटर तटता थे और थोड़ी बैंड हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे मैं हैंडल चेंज, देखिए अभी मैं इसको दूंगा, देखिए बहुत अच्छे से दूंगा ही। तो अभी हम इस तो भी मैंने दोनों तो फंसा दिए, देखते हैं पहले इस तो तटते थे, देखती है फ्रेंड्स देखती बाहर में, देखिए कितना मस्त ये तटता है एकदम फिनिशिंग के साथ। ठीक है तो फ्रेंड्स अभी हम इसको तट करते हैं, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखिए बहुत मस्त तट करता है ये, तो फ्रेंड्स अभी हम इसको हैवी का तट करते देखते, देखिए फ्रेंड्स वाह इस तो ना पे तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना भाई चोट ज़्यादा है, वो इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है देखिए फ्रेंड एकदम स्मूथ तट करता है ये, ठीक है मस्त तटता है। अभी हम इस PVC पाइप तो हम तट करके देखते हैं, ठीक है देखते ही इसका तट करता है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं इसमें इसका तट तो बहुत मस्त होता है, नहीं होता है सॉरी, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब मेरा ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है फोकस नहीं हो पाया है ये, साइड में से तट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इतनी जल्दी ये तटता था PVC पाइप एकदम फिनिशिंग के साथ था, देखिए मस्त तटती है इसने आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत मस्त मशीन है, आप इस तो जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छा इसका ब्लेड देखिए एकदम बैलेंस है, आप तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा पर फ्रेंड्स ये उसी में मतलब मोटर ही चढ़ी है। ठीक है